लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 18D, दैट इज मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. हमें मीन मीडियन एंड मोड निकालना है. डेटा दे रखा है क्लास और फ्रीक्वेंसी, राइट. क्लास दे रखी है 0 to 50 तक, टू फ्रीक्वेंसी, 50 to 100 तक थ्री फ्रीक्वेंसी, 100 to 150 फाइव फ्रीक्वेंसी, 150 to 200 सिक्स फ्रीक्वेंसी, 200 to 250 फाइव फ्रीक्वेंसी, 250 to 300 थ्री फ्रीक्वेंसी, 300 to 350 हमारी है वन फ्रीक्वेंसी. तो हमें मीन मीडियन एंड मोड निकालना है. तो सबसे पहले मीन निकालेंगे. मीन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने निकाला एक्स. एक्स होती है मिड वैल्यू. तो ये आई 25, 75, 125, 175, 225, 275 एंड 325, राइट. अब हमने इसमें एज्यूम्ड मीन मान लिया तो हमारा डी निकल गया. कैसे? एक्स माइनस ए करके. तो ये क्या आया? माइनस 150. दैट मीन्स इसमें से ये माइनस किया तो 150 आया. माइनस 100, माइनस 50, जीरो आगे आया 50, 100 एंड 150, राइट. अब देखिए क्या कॉमन है हमारा? 50 कॉमन है. तो हमने u निकाल लिया कैसे? d अपॉन h करके, जिसमें कि h है हमारा 50, राइट. तो हमारा क्या आ गया? माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1. कैसे आया? इसको हमने 50 से डिवाइड कर दिया, राइट. तो माइनस 3 आ गया, फिर माइनस 2 आ गया, माइनस 1 आ गया, 0, 1, 2 एंड 3. अब हमने क्या निकाला? fu. f की मल्टीप्लाई u में. 2 इंटू माइनस 3 इज 6 माइनस का, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5, 6 जीरो ज 0, 5 वन ज 5, 3 टू ज 6 एंड 1 इंटू 3 इज 3, राइट. तो सिग्मा एफ यू कितना आ गया हमारा? दैट इज, देखिए ये कितना बैठा? 11, 14, और ये कितना बैठा? 12, 17. तो कितना बच गया हमारा? 3 बच गया माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यूज ज्यादा थी. अब हमारा सिग्मा एफ देखेंगे तो क्या आएगा? 10, 16, 19, 20 एंड 5, दैट इज 25. अब हमें मीन निकालना है. तो मीन कैसे निकालते हैं? मीन हमारा आता है एज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, राइट. तो एज्यूम्ड मीन कितना आया था हमारा? 175 प्लस एच कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज 50. एफ यू कितना है? माइनस 3, और एफ है हमारा 25. अगर आप देखें 25 वन जा 25, 25 टू जा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 175 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6. तो ये कितना आ गया? 169. तो हमारा मीन आ गया 169. अब हमें मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे? पहली एज इट इज 2, फिर 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 6 इज 16, 16 प्लस 5 इज 21, 21 प्लस 3 इज 24 एंड 24 प्लस 1 इज 25. ये क्या हो गया हमारा? एन हो गया. तो अब हम क्या निकालेंगे? एन बाय टू.
एन बाय टू क्या हुआ, 25/2, दैट इज 12.5 हो गया। अब 12.5 कहाँ लाए करता है, यहाँ पे, और उसकी लोअर लिमिट क्या है ये, तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एच इन टू एन बाय टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट। अब आगे लिखते हैं इसकी वैल्यूज, एल कितना है 150 प्लस एच कितना है, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 50 इंटू एन बाय टू कितना है 12.5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई 10 और फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारी 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब आगे देखिए 150 प्लस 50 इंटू ये कितना बचा 2.5 अपॉन 6, राइट। पॉइंट हटाया, एक जीरो लग गया, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 150 प्लस 25 5s इज 125 अपॉन 6, एलसीएम लिया 6, तो ये क्या आया 150 इंटू 6 प्लस 125, तो ये देखिए ये क्या आएगा, दैट इज 6 0s 0, 6 5s 30, 3 कैरी 900 आ गया, प्लस 125 अपॉन 6, तो ये कितना आया 1025 अपॉन 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 से डिवाइड किया, 6 1s 6 42, 6 7s 42, 0.50 हो गया, 6 8s 48, राइट, 20 हो गया, 6 3s 18, आगे देखें फिर 23 आएगा, तो 5 से ज्यादा नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे, राइट। अब हमें निकालना है मोड, तो मोड कैसे निकालेंगे, मोड का फॉर्मूला होता था मोड इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, तो 3 मीडियन क्या आ गया था हमारा 170.83 और ट्वाइस ऑफ मीन कितना आया 169, तो ये देखिए 3 3s 9, 3 8s 24, पॉइंट के आगे 2 आ गया 21, 2 कैरी 3 1s 3 4 5, माइनस 2 9s 18, कैरी 1 12, 13 कैरी 1 2 1s 2 and 3, तो ये कितना आ गया 0.49 एज इट इज, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 3 गया 7 एंड 4 में से 3 गया 1, तो मोड आ गया हमारा 174.49 इज द आंसर।